Hello aspirants, I'm Ravina Malik, Coal India Rank 63 और CSIR Net Guru. Welcome to again on our official YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक रहेगा validity of Net Certificate and JRF Award Letter. So candidates को usually doubt रहता है, confusion रहता है दोनों के बीच में Net Certificate and JRF Award Letter. कितना वैलिडिटी रहेगा, डू वी हैव टू अटेम्प्ट द सेम एग्जाम अगेन आफ्टर सम टाइम और द सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर लाइफ लॉन्ग. सेकेंड हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेट एंड व्हाट इज जेआरएफ, ये क्या है, आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कितने टाइम के लिए वैलिड है एंड व्हाट यू विल गेट वंस यू विल गेट दिस सर्टिफिकेट, ये किस चीज के लिए आपको एलिजिबल बनाएगा एंड जेआरएफ अवार्ड लेटर से आपको क्या मिलेगा. सो ऑल दिस पॉइंट्स विल बी क्लियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बने रहिए एंड तक सो दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन कैन बी कन्वेड टू यू. ओके सो लेट्स डिस्कस अबाउट नेट फर्स्ट. नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके, और कॉमनली नोन एज लेक्चरशिप ऑल्सो, LS बोलते हैं. सो इफ यू विल क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम यू विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. ओके, यू विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस. नाउ हाउ यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम, कौन इसको कंडक्ट करता है, आप इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं. तो CSIR UGC इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं एंड इफ यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम यू विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ यू गेट दिस नेट सर्टिफिकेट, वंस यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम यू विल बी अवॉर्डेड वन सर्टिफिकेट एंड दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर ए लाइफ टाइम. Okay, you can use this certificate lifelong. Okay, you don't have to reattempt the exam. इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है. अगर आपने एक बार एग्जाम क्वालिफाई किया तो आपके पास सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग है. आप किसी भी टाइम एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूज योर सर्टिफिकेट. ओके सो दिस इज इट अबाउट नेट. नाउ सेकेंड इज JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप. वॉट इज दिस, दिस इज पर्टिकुलरली स्कॉलरशिप. ओके, ये एक स्कॉलरशिप रहता है एंड हाउ यू कैन अवेल इट एंड हु कैन अवेल इट, इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप वंस यू क्वालिफाई दिस JRF एग्जाम. नाउ नेक्स्ट जो डाउट आता है स्टूडेंट को वो ये है कि नेट और JRF में क्या डिफरेंस है, क्या वो दोनों सेम है, ठीक है, हाउ वी कैन अटेम्प्ट दिस एग्जाम. तो इस पर हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, यू कैन विजिट अदर वीडियो एज वेल ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओनली. सो देखिए नेट और JRF के लिए सेपरेट एग्जाम नहीं होंगे, देर इज वन कॉमन एग्जाम ओनली विच इज कंडक्टेड बाय CSIR एंड UGC. नाउ इफ यू विल क्वालिफाई दैट एग्जाम एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्कोर यू आर मेकिंग इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम तो रैंक अवॉर्ड होंगी एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक यू विल बी कैटेगराइज्ड एज JRF देन Net and then not qualified candidates. So there will be three categories. Okay. So if you will make very good score in this, then you will be qualifying Net and JRF both. So this is a completely different story. Different video में हम इसको cover करेंगे. Okay. So once you qualify the JRF, now if you are having JRF and you take admission in PhD in some government recognized university, then only you can avail this scholarship. So these are the two eligibilities which should be met up if you want to avail this scholarship. Okay, now the validity of CSIR JRF for joining PhD program is 2 years. Important point, NET ke liye koi validity nahi hai, it is valid for lifelong, but for JRF 2 years ka validity period rahega. Within those 2 years you have to enroll yourself in some government institute or government university. Now how you will get to know कि कौन सा 2 साल, okay, from which date this 2 years will be initiating, okay, very important point. Student को बहुत doubt रहता है कि exam हमारा हुआ उस date से 2 साल रहेंगे, result out हुआ उस time से 2 years रहेंगे, और from which time, which date this 2 years will be commencing. Now, once you will qualify this exam, then CSIR UGC will award you a JRF letter, and उस letter में clearly mention होता है that from this particular date and starting from this particular date up to a period of 2 years you are allowed to avail this JRF, you are allowed to take admission in PhD. okay, so aapko 2 saal ke duration mein kahin pe PhD mein admission lena hai, enroll karwana hai khud ko, and then you can avail this particular scholarship. okay, so I hope this information was helpful. This is it about NET and JRF. If you are having any doubt, okay, you can comment down below in the video and we will make a video on that topic as well. Okay, so if you find this helpful then please subscribe our official YouTube channel and Telegram channel at Uncle CSIR Net ki taiyari. Milte hain dobara se ek nayi video ke sath. Thank you so much. Thank you.